इस डरावनी कहानी की शुरुआत होती है टेक्सास में एक बहुत ही सुनसान घर को दिखाते हुए, जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत अपने बीमार हस्बैंड के साथ रहा करती थी। इस बूढ़ी औरत का नाम मैरी था, जो फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। मैरी तो अपने बीमार हस्बैंड के साथ भले ही अकेले वहां पर रहती, लेकिन उसे कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। हमें बैकग्राउंड में बहुत ही जोर से वॉल्फ की चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं, जो कि इस पूरे सीन में हमेशा बजते ही जा रहे थे। अब उस जगह के थोड़ी ही दूरी पर एक फार्म मौजूद होता है, जहां पर कई सारे जानवर थे। वो जानवर भी किसी चीज से डर कर भागने लग जाते हैं। तभी अचानक हमें उन सभी के बीच एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वो आकृति किसी डीमन की थी, जो उसी जगह पर मौजूद था और लगातार मैरी के घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो चौकन्ना रहे और अपने हस्बैंड को प्रोटेक्शन करे। मैरी तो फिलहाल के लिए अपने किचन में खाना बना रही होती है, लेकिन तभी अचानक वो नोटिस करती है कि चेयर अचानक पीछे की तरफ जा रहा है, जो ऑब्वियसली उसी खतरनाक डीमन ने किया होगा। मैरी इस बात से चौंक तो जाती है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। ये उसका घर था और वो अपने बीमार हस्बैंड को इस तरीके से छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। अगले दिन हमें लुइस और माइकल नाम के उनके दो बेटे और बेटी दिखाए जाते हैं, जो शायद अपने बीमार फादर से मिलने के लिए आए थे। उनके पास शायद ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए जो मिनिमम टाइम थे वो उनके साथ गुजारे। पर फिर बाद में हमें पता चला कि माइकल और लुइस के रिलेशन अपनी मदर मैरी से उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। उनके बीच प्यार की कमी थी, जिसकी वजह से वो उतना ज्यादा घुल मिल नहीं पाते। मैरी को जब पता चला कि उसके दोनों बेटे बेटी यहाँ पर आ चुके हैं, तो वो उन्हें डांटने लगी। वो कहती है कि ये जगह अभी खतरनाक है और तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। पर माइकल और लुइस इस तरीके से तो नहीं जाने वाले, उन्हें कई दिन लगे थे यहाँ पर पहुँचने के लिए। फिलहाल के लिए लुइस और माइकल एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि आखिर उसकी मदर मैरी इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। माइकल ने सिंपली जवाब दिया कि शायद वो काफी टायर्ड हो गई है और ओल्ड होने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आया करता था, इसीलिए अपनी मदर का बिहेवियर वो सभी इग्नोर करते हैं और वहाँ पर रहने लग जाते हैं। एक दिन यहाँ पर लुइस जब रूम के अंदर थी, तभी उसे एक आकृति महसूस होती है जो ठीक उसके पीछे थी। ये कोई और नहीं बल्कि वो खतरनाक डीमन ही होता है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो आकृति वहां से गायब हो गई। लुइस ने ये बातें अपनी मदर मैरी को बताई, जिससे कहा कि शायद ये कोई जानवर होगा जो कि वहां से भाग गया होगा। पर असली सच्चाई तो मैरी को ही पता थी कि वो कोई पक्षी या जानवर नहीं बल्कि कोई खतरनाक हॉन्टिंग एंटिटी थी। मैरी तो यहाँ पर अब किचन के अंदर खाना बना रही थी और सब्जियों को चाकू से काट रही थी, पर पता नहीं मैरी का बिहेवियर एकदम से चेंज होने लगा। उसने चाकू की मदद से अपनी उंगलियां काटना स्टार्ट कर दिया, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है, और मैरी जोर से रोने भी लगी। सारी उंगलियां काटने के बाद मैरी अचानक कहीं गायब हो जाती है। सुबह होते ही माइकल और लुइस अपनी मदर को ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो घर के अंदर कहीं भी नहीं मौजूद होती। जब वो दोनों ट्रेवल करते हुए फार्म हाउस के अंदर गए, तो पता चला कि उनकी मदर ने रस्सी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस बात से माइकल और लुइस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जल्द से जल्द अपनी मदर को नीचे उतारते हैं। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी की गई, पर उसमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं होती। माइकल और लुइस इस घटना के बाद एकदम सहम जाते हैं, क्योंकि अचानक से उनकी मदर ने इस तरीके से क्यों आत्महत्या कर ली। दोनों बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गए थे, और वहीं उनके फादर की तबीयत भी खराब होते जा रही थी, जो कि बेड पर पड़े हुए थे। खास करके लुइस अपने आप को दोषी ठहरा रही थी, क्योंकि उसने तो अपने पेरेंट्स की इस क्रूशियल समय में उन्हें छोड़ दिया था और शहर में जाकर रहने लगी थी। लुइस जब ट्रेवल करते हुए उनके कमरे में जाती है, तो देख रही थी कि उसकी मदर ने लुइस के लिए एक बहुत ही अच्छी ड्रेस सिल कर रखी होती है। इस बात से लुइस को और ज्यादा गिल्ट होने लगा। हमें तो यहाँ पर चार्ली नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो उनके पड़ोस में रहा करता था। उसने जब मैरी के इस मौत के बारे में सुना, तो वो भी चौंक गया, क्योंकि मैरी उसकी इकलौती दोस्त थी जो कि उसके साथ रहा करती थी। यहाँ पर अब उस जगह पर मैरी और उसके हस्बैंड की एक नर्स आती है, जो उनकी देखरेख करती थी। नर्स ने यहाँ पर माइकल और लुइस को बताया कि तुम्हारी मदर किसी अजीब तरीके से बातें किया करती थी, जैसे कि उनके सामने कोई मौजूद हो और वो किसी से बातें शेयर कर रही हैं। उनका बिहेवियर समय के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बदलता जा रहा था। ये सारी बातें माइकल और लुइस को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इसीलिए वो दोनों कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता चला कि उन दोनों में भी अच्छी खासी बनती नहीं है। वो तो एक दूसरे को ही दोषी ठहरा रहे थे कि तुम अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहे, जिसकी वजह से वो अकेले हो गए और अंत में उन्हें मरना ही पड़ा। अब यहाँ सारी बातें होने के बाद लुइस शावर
ले रही थी। पर तभी अचानक उसके ठीक सामने उसके फादर आ जाते हैं, जिनकी आंखें पूरी तरीके से व्हाइट थी और चेहरा बदल चुका था। वो बहुत ही खतरनाक लग रहे होते हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी बेटी के ऊपर पी कर दिया। लुईस बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगी थी ये सारी चीजें देखकर। माइकल तुरंत उस जगह पर आ जाता है जो लुईस को शांत करा रहा था। तब जाकर लुईस देखती है कि उसके फादर तो अभी भी बेड पर पड़े हुए हैं और उसके यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। माइकल लुईस को समझाता है कि ये जरूर तुम्हारा वहम होगा, पर लुईस को याद था कि उसने जरूर ये चीजें देखी थी। हालांकि कोई और सबूत ना मिलने के कारण वो इसे भुला देती है। माइकल जब यहाँ पर ग्रोसरी के कुछ सामान लेके आने जा रहा था तो उसे अपनी मदर की डायरी मिलती है। माइकल और लुईस उस डायरी को पढ़ने लगे जिसमें कि उसकी मदर ने लिखा था कि मुझे बहुत ही अजीब तरीके की साये दिखाई देते हैं और उसी खतरनाक डीमन की वजह से मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो रही है। माइकल और लुईस साफ साफ देख पा रहे थे कि उस डायरी के अंदर किसी खतरनाक एंटिटी की बात की गई थी और इसी एंटिटी की वजह से उनकी मदर बहुत ही ज्यादा डर रही थी। वो दोनों तो अब सीधा चले गए उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए जो एक डॉक्टर एग्जामिन कर रहा था। उन्हें मैरी की जेब में से कुछ क्रॉस के निशान मिले होते हैं जो उनके वो बेटे बेटी को दे देते हैं। माइकल और लुईस थोड़ा सा चौंक गए क्योंकि उनकी मदर जरा भी रिलीजियस नहीं थी। फिर आखिरकार ये क्रॉस उनकी जेब में कैसे आया? अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा इस बारे में सोचने लगे थे कि कहीं इसका रिलेशन काले साये और ब्लैक मैजिक से तो नहीं। अब यहाँ पर लुईस जब अपने फादर की देखरेख कर रही होती है तभी अचानक उसके फादर को झटके लगने लगे थे। लुईस ने नोटिस किया कि उसके फादर के मुंह से कोई छोटा सा स्पाइडर निकल रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे पकड़ने लगी। आवाज सुनकर माइकल भी वहां पर आ गया और लुईस से पूछने लगा, लेकिन लुईस उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पर अब हमें माइकल दिखाया गया जो कि सो रहा होता है, पर तभी उसे कुछ आवाजें आने लगी और उसके रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लग जाती हैं। माइकल जब उसे जाकर देख रहा था तभी उसे अपने घर के बाहर उसकी मदर दिखाई दी जो हंस रही थी और हवा में उड़ने लगी थी। माइकल ये देखकर एकदम चौंक गया, पर जैसे ही लाइट वापस बंद होती है तो माइकल की मदर ठीक उसके पीछे थी। माइकल लाइट ऑन करके जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वहां पर से जो डीमन था वो गायब हो गया। एक समय पर माइकल को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो सोचने लगा कि शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। वहीं लुईस जब उठती है तो उसके चेहरे पर बहुत सारे लिपस्टिक के निशान लगे हुए थे और वही लिपस्टिक उसके फादर के बेड के पास पड़ी हुई होती है। लुईस सोचने लगी कि शायद ये उसके फादर ने किया होगा और तभी वहां पर टेलीफोन आता है कि तुम्हारी फोन लाइंस कट की जा रही हैं। थोड़ी देर बाद अचानक लुईस को एक और कॉल आया जिसमें कि उसकी मदर की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बहुत ही अजीब तरीके से बात करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये तुम दोनों की बहुत बड़ी गलती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें झेलने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक प्रीस्ट आकर डायरेक्टली माइकल से मिल रहा था जो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मदर को पहले से जानता हूँ, वो मेरे साथ कई बार मिली थी और मैं उनके बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। माइकल और लुईस उस प्रीस्ट से अब कुछ बातें करने लगे थे। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब माइकल को सच में लगने लगा कि उसकी मदर जो इतना स्पिरिचुअल हो चुकी हैं और जो उनके दिमाग में ये सब भरा होगा वो इसी प्रीस्ट ने किया होगा। इसीलिए अब माइकल को उस प्रीस्ट के ऊपर काफी गुस्सा आने लगा और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो प्रीस्ट उन दोनों को इन्फॉर्म कर रहा था कि तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन माइकल ने उस प्रीस्ट को बेइज्जत करके यहाँ से भगा दिया। माइकल को तो अब बहुत ही ज्यादा टेंशन आ रहा था और वो सोचने लगा कि वो अपनी वाइफ के पास वापस चले जाए, जिससे कि हमें ये अंदाजा हो जाता है कि माइकल ना तो अपने फैमिली वालों की सोचता है और ना ही लुईस के बारे में। वहीं अब लुईस फार्म में दिखाई जाती है जो कि अपनी मदर की डायरी पढ़ रही थी, पर तभी अचानक हमें उसे पीछे एक आकृति दिखाई देती है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लुईस को तो ग्लास ब्रेकिंग की आवाज सुनाई दी जिससे कि वो समझने लगी कि शायद ये माइकल हो सकता है, पर उस जगह पर कोई भी नहीं था और इन सारी चीजों की वजह से लुईस जाकर डायरेक्टली माइकल को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। वो कहने लगी कि ये हमारा वहम नहीं, जरूर यहाँ पर कोई अनजान चीजें घट रही हैं। माइकल ने भी अब जाकर लुईस को समझाया कि मैंने भी अपनी मदर को देखा जो हवा में उड़ रही थी और अचानक से गायब हो गई। तभी अचानक उन दोनों को वॉल्फ के हाउलिंग की आवाज आती है। जैसे ही माइकल और लुईस अब बाहर की तरफ गए, लेकिन प्रीस्ट के फेस पे जैसे ही टॉर्च मारा जाता है तो उसकी आंखें एकदम व्हाइट हो चुकी थी, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो डीमन के कब्जे में है और वो डीमन काफी खतरनाक था जो किसी के भी माइंड को मैनिपुलेट करके उनसे कुछ भी करा सकता है। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे, पर तभी टेलीफोन की रिंगिंग की आवाज आई। जैसे ही उन लोगों ने दूसरी तरफ देखा तो वो प्रीस्ट वहां से गायब हो जाता है। माइकल ने तो यहाँ पर लुईस को रोका कि तुम टेलीफोन मत उठाना,
लेकिन यहाँ लुईस टेलीफोन को जाकर उसके वायर ही तोड़ देती है। पर उन्हें क्या पता कि ये कॉल तो चार्ली ने किया था जो उनके पड़ोस में रहा करता है। वो उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि वो ठीक है कि नहीं। पर अफसोस उन लोगों ने ये भी मौका खो दिया है। यहाँ उस डीमन एंटिटी को भी जब पता चला कि चार्ली उन बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसके घर पर आ गई उसे मारने के लिए। चार्ली भी आवाज सुनकर अपनी गन उठा लेता है और जैसे ही वह दूसरे रूम में गया तो उसे अपने सामने लुईस दिखाई दी। पर चार्ली को पता था कि ये असली लुईस नहीं है बल्कि ये वो डीमन है जो उसके दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। डीमन तो अपने बॉडी पर मल्टीपल कट्स लगाते जा रही थी जिससे कि चार्ली को रहम आ जाए और वो उसे बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर ले। डीमन अब तुरंत ही चार्ली के पास आकर कुछ वर्ड्स बोलती है जिससे चार्ली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने अपनी गन से खुद को शूट कर लिया। चार्ली वहीं का वहीं मर जाता है। पर ये बातें तो माइकल और लुईस को तो अभी तक पता ही नहीं थी। अब यहाँ माइकल और लुईस ये चेक करने के लिए चले गए कि कल रात जो घटा था क्या वो रियलिटी है कि नहीं, यानी वो प्रीस्ट जो उनके घर के सामने आया था वहाँ पर उसके फुटप्रिंट है कि नहीं। पर बाहर जाने पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। लुईस के पास तो उस प्रीस्ट का नंबर था जो उसने जाते जाते उससे ले लिया था, इसीलिए वो डायरेक्टली उसे कॉल करके ये पता करती है कि वो यहाँ क्यों आया था। तब जाकर वो प्रीस्ट सिंपली कहता है कि मैं तो सिडनी की एक होटल में मौजूद हूँ और मैं तो कभी उस जगह पर आया ही नहीं, यानी ये सारी चीजें उस डीमन का किया धरा था। अब माइकल और लुईस के फादर की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी थी, इसीलिए माइकल ने डिसाइड किया कि वह अपने फादर को किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर करेगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें किसी नॉर्मल डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। जब वो डॉक्टर देखने के लिए आता है तो वो सिंपली कह रहे थे कि तुम्हारे फादर उस जर्नी को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना खतरनाक हो सकता है। वो नर्स भी उस जगह पर आ गई थी जो दोनों को बताने लगी कि तुम्हारे फादर को प्यार की जरूरत है, इनके पास जितना भी टाइम है अगर ये खुश रहेंगे और इन्हें प्यार मिलता रहेगा तो शायद ये अपने आप ही कुछ ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकें। हमें तो ये पहले से ही दिखाया जा रहा था कि माइकल और लुईस अपने पेरेंट्स से किस तरीके से अलग रहते हैं, जिससे कि उनके मदर एंड फादर काफी अकेले पड़ गए थे और उनका सहारा देने वाला कोई भी नहीं था, और इसी अकेलेपन ने उस डीमन का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित किया था जो एक एक करके सभी को मैनिपुलेट करता जा रहा था और उनकी बुरी तरीके से जान लेता है। हमें तो अब यहाँ दिखाया जाता है कि उनके फार्म के अंदर जितने भी एनिमल्स मौजूद थे उन्हें किसी ने आजाद कर दिया है और वो लगातार फॉरेस्ट की तरफ भागते जा रहे हैं। उनमें से एक घायल गोट को हमें दिखाया गया जिससे कि माइकल देखते हुए उनके पीछे आने लगा। माइकल और लुईस जब थोड़ी देर पर जाते हैं तो वो पूरी तरीके से चौंक गए थे क्योंकि जितने भी जानवर बाहर निकले होते हैं वो सब के सब किसी अनजान तरीके से मारे गए। देखने से साफ पता चल रहा होता है कि ये काम किसी वॉल्फ का तो नहीं हो सकता, इन्हें किसी अनजान एंटिटी ने मारा है। माइकल ये देखकर एकदम चौंक गया और वो सोचने लगा कि जरूर यहाँ पर अब तो सच में गड़बड़ है। उन दोनों ने मिलकर अब उन मरे हुए जानवरों की बॉडी को जला दिया और वहां से सीधा अपने घर की तरफ आ गए। माइकल ने अब डिसाइड किया कि वो यहीं पर रहेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। हालांकि वो लुईस से कह रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पर उसने जो ठान लिया था वो तो करके ही रहेगा। अब हमें माइकल उसी फार्म के अंदर दिखाया गया जो एक जानवर को बचा रहा होता है, पर तभी अचानक उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और वो बहुत ज्यादा डर गया। लेकिन माइकल को यहाँ पर अपनी मदर के प्रेयर्स याद आने लगे होते हैं जो कि उन्होंने बुक के अंदर लिखा था। वो उन्हें पढ़ने लगा पर तभी अचानक उसके सामने वही डीमन आ जाता है जो माइकल की मदर के रूप में था। वो तुरंत ही उसके सामने आकर माइकल को बहुत ही अजीब तरीके से विस्पर करने लगा। माइकल इतना ज्यादा डर गया और एक समय के बाद उसकी बॉडी पर से कंट्रोल हट जाता है। माइकल तुरंत ही चाकू लेकर अपना गला काटने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी उसके अंदर मौजूद जो विल पावर थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी और उसे अपने आप पर विश्वास होने लगा, जिसकी वजह से माइकल बच जाता है और चाकू को दूर फेंक देता है। माइकल तो अब अचानक जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके पास सिर्फ एक नाइफ मौजूद थी और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए माइकल तुरंत ही अपनी कार उठाता है और वहां से अपने घर की तरफ भागने लगता है। यहाँ लुईस जो कमरे के अंदर मौजूद होकर अपने डैड के साथ आराम कर रही थी तभी उसे अचानक अपने डैड की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं। वो जैसे ही मुड़कर देख रही थी तो पता चला कि उसके फादर वहां से गायब हो चुके हैं, और अब लुईस ने ऊपर की तरफ देखा तो उसके फादर सीलिंग से चिपके हुए थे जो अपनी बेटी को सिर्फ यही कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ नहीं तो वो खतरनाक एंटिटी तुम्हें खत्म कर देगी। लुईस बहुत जोर से चिल्लाती है तभी अचानक उसकी अगले मोमेंट में नींद खुल गई और वो देखती है कि उसके फादर तो अभी भी बेड पर मौजूद है, यानी कि ये खतरनाक चीजें वो एंटिटी ही लुईस को दिखा रही थी। लुईस यहां पर काफी डर गई, इसीलिए वो माइकल
को कॉल करती है, पर माइकल तो चला गया था और उसका कॉल बिल्कुल पिक नहीं करता। ये बातें अब लुईस को पता चल गई क्योंकि उसे अंदाजा था कि माइकल उसे एक दिन छोड़कर चला जाएगा। बार बार कॉल लगाने पर वो पिक न करने के कारण अब लुईस यहाँ अकेली हो गई और वो तो ये चीजें एक्सपीरियंस कर पा रही थी कि किस तरीके से जब वो यहाँ पर नहीं थे तो उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजर रही होती है। हमें तो यहाँ माइकल दिखाया गया जो कार में बैठते हुए सीधा अपनी फैमिली के पास शहर में जा रहा था। उसने भी लुईस के लिए वॉइस मेल छोड़ दिया कि तुम जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाओ, मैं तो पहले ही निकल गया हूँ। यहाँ दिखाया गया कि माइकल कितना सेल्फिश है और वो तो खुद के भी फैमिली मेंबर्स के लिए स्टैंड नहीं कर सकता। हमें तो अब लुईस को दिखाया गया जो दरवाजे पर देखती है कि कोई नॉक कर रहा है। जैसे ही वो जाकर चेक करने लगी तो वहाँ एक लड़की मौजूद थी। वो लड़की खुद को चार्ली की ग्रैंड डॉटर बता रही होती है। उसे जब पता चला कि चार्ली मर गए हैं तो वो यहाँ पर आ गई, जिससे कि उसे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन वो लड़की अचानक लुईस से कहने लगी कि अगला नंबर तुम्हारा है। फिर बाद में पता चला कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि इसके ऊपर भी डीमन ने कब्जा कर लिया है और वो यहाँ पर लुईस को डराने और धमकाने आई थी। लुईस तो इतना घबरा जाती है कि वो जल्द से जल्द घर के अंदर भागने लगी। तभी अचानक वहाँ पर उनकी नर्स आ जाती है। वो नर्स तो लुईस को कह रही थी कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो वो जो घर में मौजूद है वो तुम्हें कभी नहीं जाने देगी। फिर अगले ही मोमेंट में पता चला कि वो नर्स भी डीमन के कब्जे में है और उसने तुरंत ही अपने आप को स्टैब करना स्टार्ट कर दिया। वो तो लुईस को भी मारकर बेहोश कर देती है। फिर उस नर्स का तो इतना बुरा हाल हुआ जो कि वो डीमन नहीं किया होता है। हमें अब यहाँ दूसरी तरफ माइकल दिखाया गया जो ट्रेवल करते हुए अपने घर पर पहुंचा ही था, तभी वो नोटिस करता है कि उसके दोनों ही बच्चे को किसी ने मार दिया है, यानी कि ये काम जरूर उस डीमन का ही होगा। ये चीजें माइकल को सहन ही नहीं होती और फिर उसने गुस्से में आकर वहाँ पर पड़ी हुई एक चाकू को लिया और उसी की मदद से खुद को स्टैब करके मार डाला। पर माइकल बाद में नोटिस करता है कि ये सब तो रियलिटी थी ही नहीं। उस जगह पर जो भी लाशें पड़ी हुई थी वो गायब हो जाती हैं और बाद में आवाज सुनकर माइकल की वाइफ और उसके बच्चे बाहर आ रहे थे, यानी कि ये भी काम उस डीमन का था जिसने पूरी तरीके से माइकल को हेलुसिनेट किया और उसे फोर्स किया कि तू खुद ही अपनी जान ले ले। माइकल की फैमिली इस तरीके से उसे मरता हुआ देखती है और कुछ कर नहीं पाती। माइकल की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ लुईस को जब होश आया तो वो तुरंत ही वहाँ से भागने का डिसाइड करती है, पर तभी उसे अपने फादर के खांसने की आवाज आई जो बुला रहे थे मदद के लिए। लुईस इस तरीके से कैसे अपने फादर को छोड़कर जा सकती थी, इसीलिए वो उनके पास चली गई उन्हें बचाने के लिए। लेकिन लुईस के फादर तो बार बार यही कह रहे थे कि तुम चले जाओ क्योंकि वो यहीं पर मौजूद है। अगले ही मोमेंट में अचानक लुईस के ठीक पीछे वो डीमन आ गई जिसका रूप वो पहली बार देख रही होती है। उस डीमन ने सीधा लुईस की जान ले ली और उसके फादर को भी खत्म कर दिया। इसी तरीके से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।